एक मिनट रुको आके बता रहा दर्शकों। बाबरपुर वार्ड से बात करें, बाबरपुर के निगम पार्षद ने आज क्या नाम है अपने कार्यालय के अंदर ऐसे जो दीवे बनते हैं उसका वितरण करा है, महिलाओं को बांटे हैं। पूर्व विधायक नरेश गौर साहब भी आए हैं। गौर साहब, दिवाली के इस शुभ पावन अवसर पर क्या शुभकामनाएं, क्या संदेश देना चाहेंगे? इससे अच्छा गिफ्ट और कुछ हो नहीं सकता क्षेत्रीय लोगों के लिए जी। लोग दिवाली का पूजन करते हैं, दीवे कम मिलते हैं, लोग मोमबत्ती जलाते हैं। पहली बार कुसुम जी ने क्षेत्र के अंदर ये मिट्टी के दीवे जिससे प्रदूषण कम होता है और ये अंधकार समाप्त होता है, ऐसे दीये वितरण का काम अपने क्षेत्र में बड़े लार्ज स्केल पर किया है। इनको बहुत बहुत बधाई और दीपावली की सारे क्षेत्र ही दिल्ली की जनता को, बाबर विधानसभा की क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, बधाई बहुत बहुत। गौर साहब कहते हैं दिवाली आती है दिवाला निकाल के चली जाती है, नहीं ऐसा नहीं है। जब से श्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं देश का दिवाला निकला नहीं है, देश का खजाना बढ़ा है। पहली बार पोजीशन ये है कि दुनिया में पांचवें रैंक के ऊपर हिंदुस्तान आया है जी। लोगों की आमदनी बढ़ रही है, लोगों की जेबों में पैसा बढ़ रहा है और सरकार का पैसा ही बढ़ रहा है। कई करोड़ करदाता पहले से अधिक हो गए, कई करोड़ रुपये, कई सौ करोड़ रुपये पहले से सरकार खजाने में ज़्यादा आया है। देश विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है, नई नई योजनाएं आगे बढ़ रही हैं। ये सब काम जो मोदी ने अब शुरू किए हैं, अगले 5 साल बाद इनका जो सड़क पर आएंगे तो दिखाई देंगे ये। गौर साहब, इस बार दिवाली अयोध्या में मननी थी लेकिन नहीं मन पाई, राम मंदिर को लेकर के मन रही है, संत समाज में आक्रोश है। संत समाज 150 फुट की तांबे की मूर्ति बना रहा है, उसका योगी जी उद्घाटन कर रहे हैं। 1.5 लाख दीपक देसी घी के, गाय के घी के वहाँ जलेंगे सरयू के किनारे पर। बाबरपुर विधानसभा वासियों को क्या अपील करना चाहेंगे इस दीवे के लिए, क्योंकि पोल्यूशन भी दिल्ली में, दिल्ली में प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, इसे पटाखे कम जलाएं जी, बहुत कम जलाएं, दीपक जलाएं, भगवान की आरती करें, भगवान के भजन गाएं, गीत गाएं। कुसुम जी क्या शुभकामनाएं, क्या संदेश? देखिए, हम तो बचपन से एक कविता थी हम स्कूल में सुना करते थे, दीप जलाओ आज दिवाली रे, क्योंकि दीप की ही परंपरा शुरू से रही है हमारे दीपावली पर जलाने की। मोमबत्ती ये तो एक पश्चिमी कल्चर है जो लेकिन लोग जिसको फॉलो करने लगे हैं, या लड़ियां जिनको कहते हैं हमारे यहाँ, तो बंधनवार लगाते थे, दीप जलाते थे, उस तरह से हम दीपावली को और रंगोली बनाकर दीपावली को मनाते थे। तो पुनः हम वापस अपने कल्चर में लौट रहे हैं, अपने संस्कृति को बचाते हुए पुनः हम अपनी संस्कृति में लौट रहे हैं। और मैं अनुरोध करना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि दिए जलाएं दीपावली पे दिए जलाएं, क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि बम पटाखे ना चलाएं, क्योंकि सबका एक अपना 2017 में तो आपने चाइना का बहिष्कार करा था, चाइना की लड़ी का, इस बार किस चीज़ का बहिष्कार? जी, मैं आज भी उन्हीं का बहिष्कार करूँ, आज मैं ये कह रही हूँ कि आप चलाइए, क्योंकि खुशी जाहिर करने का सबका अपना अपना तरीका होता है, लेकिन कहीं ना कहीं पर्यावरण को देखते हुए, अपने स्वास्थ्य को देखते हुए उसको कम मात्रा में चलाएं। पटाखे जलाएं बच्चे या ना जलाएं? नहीं जलाएं, क्योंकि देखो साल भर का त्यौहार होता है, मना नहीं कर सकते। मैंने बोला ना कि सबका अपना एक तरीका होता है दीपावली मनाने का, लेकिन सेफ दीपावली मनाएं, बच्चों को साथ में रख के पटाखे चलवाएं। कितना संकल्प लिया है ये दीवे डिस्ट्रीब्यूट करने का? देखिए, मेरी कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम लोग ये दीवे बांट सकें, जितने भी बांटेंगे, कोई गिनती नहीं है मैंने रखी है इस चीज़ की, कोई गिनती मैंने नहीं रखी है। जितने भी मुझसे बांटे जाएंगे, जितने भी होंगे, मैं उतने दीपावली तक के दिए बांटूंगी। और एक अच्छी दीपावली मैं ये खुद ही देखना चाहती हूँ कि इस बार लड़ियाँ या मोमबत्ती लग के हर किसी के घर पर सिर्फ दिए जगमगाएँ, ताकि जो हमारे देश में जो दीवे बनाने वाले हैं उनको भी रोज़गार मिले, वो भी अपनी दीपावली अच्छे से मना पाए, तभी सबका साथ सबका विकास। नहीं, बिल्कुल सबका साथ सबका विकास हमारे जो मोदी जी का नारा है वो यही है कि हम सबको साथ लेकर चलें। अंत्योदय की जो एक भारतीय जनता पार्टी का अंतिम पंक्ति पे खड़ा हुआ जो व्यक्ति है उसको भी योजनाओं का लाभ पहुंचे, तो उसके अंतर्गत हम लोगों ने दिए का वितरण का कार्यक्रम रखा हुआ है। जी, क्या शुभकामना देना चाहेंगे? हाँ जी, बहुत बहुत मुबारक हो, हमारे गौर साहब बैठे हुए हैं, कुसुम जी है, दिवाली की बहुत बहुत। हम तो बचपन से ही देख रहे हैं, गाँव में हमारे दीवे ही बनते थे, जलाते थे और इतना अच्छा लगता था, और हमें लगता है कि अब भी वही होना चाहिए। जो उनकी पहली निगम पार्षद ने दीवे बांटे हैं। हाँ, बहुत कुसुम जी तो हमारे लिए झांसी की रानी, हमने ये पहले ही कह रखा है, इनके यहाँ से ही सारा पहला काम शुरू होगा। और बहुत बहुत बधाई हो उनका सबको। उमा जी क्या शुभकामना?
मैं कुसुम जी को और सभी क्षेत्रवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। हमारे विधायक पूर्व विधायक गौड़ साहब जी, उनको भी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। ये पहली ऐसी निगम पार्षद है जो कि सबको लेके चलती है और अपने मतलब अपनी विधानसभा से सभी कार्य शुरू करती है। ये रानी झांसी। मेरा नाम निशा शर्मा है। मैं कुसुम मैडम जी को और गौड़ साहब जी को पहले तो दिवाली की शुभकामनाएं देना चाहती हूं कि मैडम ने ये दीवे बांट के ये साबित कर दिया कि कुम्हार एक तो भूखे कभी नहीं मरेंगे और दूसरा दिवाली मनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि दिए जलाए जाएं। हाँ जी, क्योंकि दीवों से ही दिवाली मनाई जाती है। दीप जमा वाली, अगर हम दीप तक जलाएंगे उसी से ही उजाला होगा। मोमबत्तियों से इतना उजाला नहीं होगा जितना कि अंधेरे में दीपक साथ देगा। मैडम, कहा जा सकता है बचपन वाली दिवाली मनाए? नहीं बिल्कुल, अभी मैं कल चर्चा कर रही थी कि हमारा गांव में बहुत बड़ा आंगन होता था और मेरी ताई जी उसमें बहुत बड़ी रंगोली बनाती थी और खड़िया से बनाती थी, कोई कलर नहीं हुआ करते थे। तो अमावस में क्योंकि अंधेरा होता तो खड़िया इतना चमका करती थी रात में सफ़ेद सफ़ेद, और हम महीनों से पहले से ही घर की सफाई करनी है, लीपा पोती करनी है, कहीं ना कहीं महीनों पहले ही दीपावली की तैयारी हम लोग शुरू कर दिया करते थे। तो आज फिर मन कर रहा है कि नहीं, फिर बचपन में लौटे, अपनी संस्कृति में लौटे, बचपन से ज़्यादा कि हम अपनी संस्कृति में, क्योंकि हम जो कर रहे हैं वो हमारे बच्चे देख रहे हैं और हमारे बच्चे भी उस संस्कृति को बचा के रखें, क्योंकि दिए से ही दीपावली बनती है। तो कहीं ना कहीं संस्कृति को बचाते हुए और अपने बचपन में लौटते हुए दिए जलाने की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज दीपावली पर दिए वितरण का कार्यक्रम रखा हम लोगों ने। संतोष जी, क्या शुभकामनाएं? ये शुभकामनाएं दे रही हूँ कि हमारे गौड़ साहब, कुसुम जी और सभी बहनों को मेरी दिवाली भैयादूज और गोवर्धन की शुभकामनाएं। देखिए, पहले ये प्रोग्राम जो रखा है ये बहुत ही अच्छा रखा है हमारी कुसुम जी ने। ये मुझे बहुत ही खुशी हो रही है देख के, क्योंकि हमारे गांव में या कहीं भी हमारा दियो से ही पूजन होता था। गांव में बहुत गरीब लोग रहते हैं, वो इन चीज़ों को मेंटेन नहीं कर पाते थे, लेकिन दिए से ही उनके दिए से पूजन होकर वो अपनी खुशी मनाते थे। और यही पूजा असली पूजा है, दीप कर जोत जला के, और हमारे गाँव लोग सब इकट्ठे होकर शाम के टाइम खेतों में से आके सब पूजन करते थे। तो बहुत हम लोग भी, जैसे कोई बाहर सर्विस करता है तो वो भी गांव में ही पहुंचते थे, सब लोग परिवार इकट्ठा हो जाता था, बाहर से सर्विस वाले भी सब बेटे आ जाते थे, तब जाके इकट्ठे होकर हम लोग पूजन करते थे। तो हमें ये बहुत ही अच्छा लगा है कि इसी तरह से दिवाली का पूजन हो और इसी तरह से दिवाली का आयोजन मतलब करना चाहिए, और कुसुम जी ने हमारे लिए बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रखा है।